ये सबसे पहले तो सफल हुआ, लाड़की बहन योजना बहुत चली है जिसमें महिलाओं ने भाजपा को खुल के और यहाँ तक कि मुस्लिम मत महिलाओं का भी मत मिला है। और उसके बाद में मोदी जी का नेतृत्व, फिर भाजपा की कार्यकर्ताओं का, भाजपा गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का, शिवसेना के, अजीत पवार जी की पार्टी के, और फिर उसके बाद में सारे हमारे केंद्रीय नेता सबकी मेहनत रंग लाई है। और महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने एक तरफा गठबंधन के पक्ष में मत दिया। जी क्या बोलेंगे, ये जो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, महाराष्ट्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को, किसको देना? नहीं, ये जो श्रेय है जो अपने जो महायुति के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको भी श्रेय दिया जाता है, उन्होंने मेहनत करके बनाया हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो कार्यकर्ते थे हमारे महाराष्ट्र में, जो किधर दिखते नहीं थे लेकिन कार्यकर्ते, उन्होंने भी अच्छा काम किया, उसकी भी ये जीत है। हमारे जो पदाधिकारी है, जो हमारे कार्यकर्ता, उनका भी जीत है। वापस जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, और अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत बड़ी बड़ी महासभा ली है, वो सभा से इतना इफेक्ट आ गया। लाड़की बहन भी बहुत अच्छी चली है, इसीलिए विजय अच्छा हो गया, और महाराष्ट्र का सरकार जल्दी से 4-5 दिन में हो जाएगा। बम्पर विजय मिला है महायुति को, बम्पर विजय मिली थी तभी हमें आवरी मध्य आलोचना करवा जी, क्या बोलना चाहेंगे? महायुति को एक बड़ा विजय मिला है और पूरा सब जो पिछले रिकॉर्ड थे सब टूट गए हैं, तो इस विजय को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एक तरह से हिंदुत्व की विजय है। देवेंद्र जी ने कहा था ये धर्म युद्ध है, और लोकसभा के चुनाव के अंदर जो फेक नरेटिव चले, जो संविधान के बारे में चला, जो अल्पसंख्यकों के बारे में चला, वो हिंदुओं के बारे में भी चला, और हिंदू अब जाग गया है, और हिंदुओं ने एक साथ इतनी बड़ी, इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है, जो हिंदुओं के नाम से वोट मांगा गया और हिंदुओं ने भर भर के वोट दिए और महायुति को विजयी किया है। इसमें लाडली बहना भी है, समाज के हर तबके का, हर घटक का विकास करने के लिए महायुति की सरकार ने कोशिश की, प्रयास किए, वो प्रयास तो सक्सेसफुल हुए, यशस्वी हुए ही, लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत है। गाड़ी बोल रही थी कि वो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन पासा पलट गया, फिर से महायुति ही सरकार में आ गई, तो महागाड़ी के नेताओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा है कि झूठ एक बार बिकता है, बार बार झूठ बिक नहीं सकता। एक बार लोकसभा में महागाड़ी ने झूठ बेच के देखा, लोगों को फंसाया, लेकिन इस बार लोग नहीं फंसे, और लोगों ने इस बार बड़ा तमाचा उद्धव ठाकरे, संजय राउत इनके मुंह पे मारा है, नाना पटोले के मुंह पे मारा है, शरद पवार के मुंह पे मारा है। आमे जहाँ आलोचना करुले जे जो महाविकास अगाड़ी मेट को गोटे प्रकार प्रत्याख्यान करिसंती महाराष्ट्रवासी एवं बीजेपी कर्मकर्ता माने जो अच्छा वर्तमान बीजेपी कार्यालय से माने मध्य से कथा कहते आपण को बीजेपी कार्यालय भीतर दृश्य मध्य देखापे चाहिए देखूँ किपर भाव जो फूल सजाही संपूर्ण बीजेपी कार्यालय को यही कि समय पूर्वर ही यही गेंडुमाल गुड़िक आसी ये सजाही पूरा बीजेपी कार्यालय वर्तमान अति सुंदर भाव सजा हो प्रत्येक जो जो घर कबाट ठू आरंभ करी मुख्य दरजा मुख्य गेट सब वर्तमान अति सुंदर भाव में सजा एवं धीरे धीरे कर्मकर्ता माने एवं नेता माने मध्य पहुँचुंट पाखापाखि 2000 लड़ू मध्य आसिक पहुँची एवं एटी आम आलोचना करवा वरिष्ठ नेता माने मध्य अच्छा जी ये जो जीत आप आज पा रहे हैं महायुति का गठबंधन जो जीत आज मिल रहा है इसको, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये लोकतंत्र की जीत है और जनादेश जनता ने विश्वास किया, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के लाड़के देवेंद्र जी की जीत है, और सब कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया, हर समाज के लोगों ने भाजपा के प्रति विश्वास किया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछली बार मध्य प्रदेश के इलेक्शन में लाली बहना योजना, वहाँ पे महिलाओं के भीतर एक नया बदलाव लाए और वहाँ पे उनको उसको उस लाली बहना योजना के तहत उनको विजय भी मिला, तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, वहाँ उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना, ऐसे बहुत तरह के महिलाओं को आकर्षित करने वाले योजना है और महिलाओं का विकास को लेकर मोदी जी भी बड़ी बड़ी बहुत योजना करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है और विकास हमारा एजेंडा है। हमने 2.5 सालों में जो विकास के कार्य किए महाराष्ट्र में, लाड़की बहन योजना हो, चाहे रोड का हो, चाहे रास्ते का हो,
तो जो विकास का हमारा एजेंडा है विकास की जीत है और विकास पे ही हम चुनाव लड़ते हैं। और हर समाज को उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे युवा हो चाहे किसी भी समाज का जो व्यक्ति हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और विश्वास की ये जीत है। अभी जो विकास का दौर चल रहा था वो दुगने तेजी से चलेगा। अब देखिए, जब विकास पे विश्वास किया जनता ने तो दुगने क्या चौगने स्पीड से विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, ये विकास की जीत है। आलोचना करते वरिष्ठ नेता बीजेपी रो से जहाँ कहते जे महाराष्ट्रवासी विजय महाराष्ट्रवासी सब बड़ कथा हूँ केवल जे महिला नुहे सबु वर्ग को प्राधान्य दे महायुति सरकार बीजेपी महामेंट एवं आगु को मध्य महिला युवक गरीब कृषक समस्त काम कर विश्वास जनसाधारण को देती जो कि जनसाधारण जो महाराष्ट्रवासी जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।